ईओडब्ल्यू के द्वारा संपादित की जा रही विवेचना में कुछ लोगों की वांछित की सूचना एसटीएफ को मिली थी, जिसमें आज एसटीएफ की टीम इंस्पेक्टर पंकज मिश्र के नेतृत्व में नोएडा के होटल पार्क एक्सेंट में उनके द्वारा दबिश दी गई, जिसमें करीब 12 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। विक्रम सिंह यादव, आशीष कुमार, मंजीत कुमार, रंजीत कुमार, शैलेश कुमार राय, अरविंद कुमार मिश्रा, इंद्रजीत यादव, विपुल सिंह, धीरज निगम, संदीप सोलोमन, निशांत कुमार और पूजा कन्नौजिया, इन लोगों के पास से करीब 16 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2 पैन कार्ड, 30 एटीएम कार्ड और 4 कूट रचित आधार कार्ड और करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास से नकद और 2 4-पहिया वाहन इनके पास से बरामद हुए हैं। और जब टीम के द्वारा इसमें पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग पहले से, जो साइंस सिटी वाला जो मामला था, उन सब में भी पहले ही काम कर चुके हैं और इनके द्वारा आज एक नया कॉइन लॉन्च किया जाना था बिटकॉइन के नाम से, जिसका नाम था द कॉइन केक। इसकी लॉन्चिंग इनके द्वारा की जा रही थी और करीब इस घटनास्थल पर इनके द्वारा करीब 80 लोगों को वहाँ पर लाया गया था, जिन लोगों को ला के और इनके द्वारा आगे उन लोगों के माध्यम से अन्य लोगों से जो ब्लॉकचेन के माध्यम से उनसे पैसा इकट्ठा करके और इन लोगों को पैसा इस बिटकॉइन जो इनके द्वारा जो कॉइन केक लॉन्च किया जा रहा था इसमें इन्वेस्ट कराया जाना था। तो इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ की टीम के द्वारा की गई है और जो नोएडा का थाना 58 है यहाँ पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 420, 406, 467, 68, 71 और 66 आईटी एक्ट और 3/4 प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो और लोग इसमें आए थे उंसे पूछताछ करके और उनसे उनके संबंध में जानकारी इसमें प्राप्त की जा रही है।